दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे बिजनेस में कस्टमर्स के जॉइंट अकाउंट और उनके इंडिविजुअल यानी कि उनके पर्सनल अकाउंट्स की अकाउंटिंग को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोई कैपिटल के पार्टनरशिप की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे कस्टमर्स के जो उनके पर्सनल लेजर या फिर उनका जॉइंट अकाउंट भी हमारे पास हो सकता है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमने आप एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है कि हमारे पास दो कस्टमर है, एक है राम सिंह और एक है कमल सिंह। अब ये इन दो कस्टमर है, ये अपना पर्सनली भी गुड्स हमारे से परचेज करते हैं और एक इनका जॉइंट अकाउंट है यानी कि जिसको हम पार्टनरशिप या साझा खाता कह सकते हैं भी, ये अपने कुछ सामान है जो हमारे बिजनेस से ये साझे खाते में भी परचेज करते हैं। तो किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग मेंटेन होती है इसके लिए हमने इनका तीन लेजर अलग अलग हमने क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हो जो पहला लेजर है हमारे पास राम सिंह कमल सिंह का जॉइंट अकाउंट है, तो यानी कि एक और इनके राम सिंह और कमल सिंह का पर्सनल अकाउंट भी है। तो कुछ हमारे बिजनेस में ये जो सामान है ये अपने पर्सनली यानी कि इंडिविजुअल ये अपने से लेजर में परचेज करते हैं और कुछ हमारे बिजनेस में से ये सांझे खाते में भी सामान हमारे से लेके जाते हैं। तो जो हमारे से सांझे खाते में लेके जाएगा उनको हम सांझे खाते में डेबिट करते हैं और बाद में जितना भी सांझे खाते में उन्होंने हमारे से सामान लिया मंथ एंड के ऊपर उसको दो हिस्सों में डिवाइडेशन करके जितना भी पैसा बनेगा वो हम जॉइंट अकाउंट को क्रेडिट करके और इनके जो इंडिविजुअल पर्सनली लेजर हैं उनके खाते में इनको डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार के लेजर हम किस प्रकार मेंटेन करते हैं ये आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल भी रहने वाली है क्योंकि इस टाइप की अकाउंटिंग अक्सर उनको कहीं ना कहीं करनी पड़ सकती है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे टैली में तीन लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। वो तीन लेजर हैं, एक हमारा राम सिंह कमल सिंह जॉइंट अकाउंट के नाम से और एक राम सिंह पर्सनल और एक कमल सिंह का पर्सनल अकाउंट। तो इन सभी को हम लेजर में क्रिएट कर लेते हैं टैली में। तो इसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, राम सिंह कमल सिंह जॉइंट अकाउंट। जैसा कि हमारा जॉइंट अकाउंट बैंक में भी होता है उसी तरीके से हमारे कस्टमर के भी हमारे पास जॉइंट अकाउंट का लेजर हो सकता है और इसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे सैंडरी डेबिटर और इसको हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में राम सिंह का पर्सनल लेजर। अब चाहे तो हम राम सिंह ओनली राम सिंह का भी लेजर हम बना सकते हैं, अगर आपको याददाश्त रखने के लिए आप इसके आगे पर्सनल भी लिख सकते हो। तो ये भी हमारा अंडर ग्रुप रहेगा सैंडरी डेबिटर के और उसके बाद में कमल सिंह और ये लेजर भी रहेगा अंडर में सैंडरी डेबिटर के। अब उसके बाद में हमने जो यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये इनका जो लेजर स्टेटमेंट तैयार किया हुआ है ये हमें एक केवल समझने के लिए ही इसको हमने तैयार किया है। अब हम कुछ एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे, बाद में इन सभी एंट्री को यहाँ पर एज पर जो एंट्री हमारी टैली सॉफ्टवेयर में है उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रीज को हम कर लेते हैं या फिर इसी के अकॉर्डिंग हम चलें। तो जैसे कि हमारे पास 1 अगस्त 2021 को इनवॉइस नंबर 1 हमने बनाया था जो कि ये सांझे खाते के अंदर बाई हैंड राम यानी कि राम सिंह के द्वारा ये 35,852 रुपए का सामान परचेज किया गया था, ये सांझे खाते में है। तो दोस्तों सांझे खाते को अगर हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि राम सिंह और कमल सिंह ये दो भाई हैं, इन्होंने अपने एरिया के अंदर उन्होंने कोई शॉप कर रखी है, कुछ सामान ये अपने शॉप के लिए लेके जाते हैं तो वो उनके जॉइंट अकाउंट में जाएगा और अगर ये पर्सनली अपने घर के लिए सामान लेके जाएंगे हमारे से तो ये उनके पर्सनल लेजर में जाएगा। तो हम इसको यूं समझ के भी इसके अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। तो जैसा कि हम बिल नंबर 1 की अगर पोस्टिंग हम करें तो वाउचर पर हम जाएंगे, शेयर वाउचर पर जाएंगे तो हम राम एंड सिंह कमल सिंह का लेजर हम ओपन करेंगे और उसके बाद में अब स्टॉक आइटम आपके पास कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर यानी यहाँ पे इसका हम मोड चेंज हम कर लेते हैं मोड और इसको आइटम इनवॉइस पे करेंगे और यहाँ पर आइटम ए मान लीजिए इसकी क्वांटिटी 5 पीस हमने सेल करी है। अब वो तो आपके एज पर इनवॉइस के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंटेन हो जाएगा लेकिन हमने इसको एजुकेशनल पर्पज़ से इसको एक बार एंट्री इसकी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इनको 35,852 रुपए का जो गुड्स है सेल किया है तो 35,852 रुपए की एंट्री हम करेंगे
और उसके बाद में सेल का कॉस्ट सेंटर हम कर देंगे नो और सेल। हमने एक बार सी जी एस टी एस जी एस टी का कोई भी लेजर एक बार क्रिएट नहीं किए, कंट्रोल ए के साथ इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद में इनवॉइस नंबर दो है और वो भी 1 अगस्त को, ये जो सामान है 15,264 रुपये का, ये बाई हैंड यानी कि कमल के द्वारा ये सामान लेके गया हुआ है, तो इनवॉइस नंबर दो ये भी जॉइंट अकाउंट में जाएगा। आइटम एक रहेगी और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे 15,264, दो कर देते हैं 15,264, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने दो जो गुड्स है, दो इनवॉइस थे वो हमने जॉइंट अकाउंट में डाले में। उसके बाद में इनवॉइस नंबर जो 3 है वो राम सिंह पर्सनली अपने लेजर के अंदर इस सामान को परचेज किया उसने, तो 2 अगस्त की एंट्री है और उसके बाद में राम सिंह के पर्सनल लेजर में आइटम ए और उसके बाद में वैल्यू है 21,454 रुपये की, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरीके से इनवॉइस नंबर 4 है 3 अगस्त में, वो भी राम सिंह का पर्सनल लेजर में जाएगा, आइटम ए हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो है 889 रुपये, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो इनवॉइस नंबर हमारा 5 रहेगा वो 3 अगस्त का ही है और वो भी राम सिंह का ही है, आइटम ए और ये जो सामान की वैल्यू वो 1,020 रुपये की है, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में जो 6, 7, 8 नंबर वो है कमल सिंह का अकाउंट में, तो हम कमल सिंह को सिलेक्ट करेंगे और आइटम ए सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम 1 डाल देते हैं। उसके बाद में 212 रुपये का, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। उसके बाद में इनवॉइस नंबर जो हमारे पास आएगा 7 नंबर इनवॉइस 3-8 में है, कमल सिंह आइटम ए, क्वांटिटी हमने 1 डाल दी है और उसके बाद में 19,558 रुपये की वैल्यू है। और उसके बाद में 3 अगस्त को ये 8 नंबर बिल है कमल सिंह के पर्सनल अकाउंट में और इसकी जो वैल्यू है इनवॉइस की वो है 9,912 रुपये और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में कुछ राम सिंह के पर्सनल अकाउंट में से हमारे पास कैश भी आया हुआ है, तो इसकी रिसिप्ट की एंट्री भी हम करेंगे, तो रिसिप्ट की एंट्री हम करेंगे 3-8 में, तो राम सिंह को हम करेंगे क्रेडिट 10,000 रुपये से और डेबिट करेंगे कैश। और इसी तरीके से 5 अगस्त 2 नंबर जो रिसिप्ट है वो कमल सिंह की है, तो कमल सिंह की हम क्रेडिट करेंगे 15,500 रुपये, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में जो रिसिप्ट नंबर 3 है वो है 5 तारीख में 5 अगस्त को और है राम सिंह की। तो दोस्तों ये जो सारी ट्रांजैक्शन हम एज ए डम्मी के रूप में कर रहे हैं ताकि हमें जो ट्रांसफर एंट्री करनी है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। और जो रिसिप्ट नंबर 4 है वो है 5 अगस्त को और कमल सिंह की और इसकी जो वैल्यू है 7,580 रुपये और हम डेबिट करेंगे कैश को। तो इस तरीके से हमने जो एक्सेल में जो डायग्राम तैयार किया था लेज़र का फॉर्मेट, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी एंट्री कर ली है। तो एक बार हम लेज़र को देख लेते हैं, तो इसके लिए हम वापस हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेज़र पर आएंगे। तो लेज़र को देखने सबसे पहले हम राम सिंह और कमल सिंह का जॉइंट अकाउंट को देखेंगे। तो आप देख रहे हो इसका जो बैलेंस है जॉइंट अकाउंट का 51,116 रुपये का है और यहाँ पर भी ये 51,116 रुपये की है, ये दो ट्रांजैक्शन होने के बाद में। उसके बाद में राम सिंह का लेजर, तो राम सिंह का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 8,213 रुपये, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये 8,213 रुपये, ये ट्रांजैक्शन हमने ट्रांसफ़र करी हुई है, इसकी एंट्री हम करने सीखनी है। और इसी तरीके से कमल सिंह, और कमल सिंह का जो बैलेंस है आप देख रहे हो यहाँ पे 6,602 रुपये और यहाँ पर भी आप देख रहे हो 6,602 रुपये। तो अब हमें बात आती है भी जो इनका जॉइंट अकाउंट है वो मंथ एंड पे क्लियर करना है, यानी कि उसका जितना भी बैलेंस है उसको उनके जो पार्टनर है जो पर्सनली लेजर है उनके खाते में इनको डिवाइडेशन करना है।
तो यानी कि 51,616 रुपये यहाँ पर डेबिट है। तो इसका अगर हम आधा आधा करेंगे दो हिस्सों में तो 25,558 और 25,558। तो अब इसकी जो जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी मंथ एंड पे, मान लीजिए हमने 31 अगस्त को एंट्री करनी है, तो 31,8 हम करेंगे, F7 हम करेंगे। अब सबसे पहले हम राम सिंह, तो राम सिंह के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 25,558 रुपये से, और उसके बाद में वापस हम डेबिट करेंगे यहाँ पर कमल सिंह को 25,558 रुपये से, और उसके बाद में जो इनका जॉइंट अकाउंट है राम सिंह एंड कमल सिंह, उसको खाते को हम कर देंगे क्रेडिट, और यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट ट्रांसफर इन पर्सनल लेजर और एक्सेप्ट करेंगे। अब हम वापस बैलेंस चेक करते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। तो कमल सिंह का आप बैलेंस देख रहे हो, ये एंट्री ट्रांसफ़र होने के बाद में 32,160 रुपये का बैलेंस हो गया है, और एक्सेल में हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 32,160 रुपये का बैलेंस हो गया। और राम सिंह का अगर हम लेजर देखें तो राम सिंह का जो बैलेंस है वो 33,771 रुपये, और यहाँ पर भी आपको 33,771 रुपये ही दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके जो जॉइंट अकाउंट है वो हमारा अब नील हो चुका है। तो अब इसका जो बैलेंस आप देख रहे हो ये बिल्कुल, क्योंकि ये जितना भी पैसा था वो सारा का सारा जो भी उनका हिस्सा है, चाहे 50-50 है तो आधा आधा डिवाइडेशन हो जाएगा, अगर 6-4 के साथ है तो उसी रेशियो के अंदर ये पैसा डिवाइडेशन होकर उनके खाते में जो डेबिट हो जाएगा। एंट्री करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जनरल वाउचर में एंट्री होगी, पर्सनल लेजर है वो डेबिट होंगे, और जो जॉइंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की जो अकाउंटिंग है बेसिक, अमूमन छोटे बिजनेस के अंदर सांझे खाते के अंदर ये चलती रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो सांझे यानी कि जो जॉइंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें उनके पर्सनल लेजर में किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देकर जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।